ओके नमस्ते आकाल मैं हूं सी एस संकल्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में इस नए दौर में जहां पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका सी ए इंटरमीडिएट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए इंटर न्यू बैच बाय सी एस संकल्प कांस्टिया क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज सुपर डुपर एक्साइटेड हूं मैं इस बैच के लिए ट्रस्ट मी एंड आई एम श्योर बहुत 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 मजा आने वाला है सो आई थिंक ट्वेंटी टू अटेम्प्टिस्टर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन दिस सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जी हां और अगर वो कर सकता है देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हो तो वो भी आप ही के जैसे Uh, मेरा लाइव प्लस गूगल ड्राइव का स्टूडेंट था क्लियर द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद गोल्डन मार्क्स एंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो अब आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है बॉस मुझे पता नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट में कितना क्या स्कोर करने वाले हो बट मेरा ये एक सब्जेक्ट है मैं आपको बता रहा हूं इस एक सब्जेक्ट की वजह से आपका मैं पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट निकलवा दूंगा यह मेरा वादा है हम्म hmm. चलो आपको मैं मेरा पूरा सीए इंटरमीडिएट निकलवा दूंगा यह मेरा वादा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन और वन एंड हाफ सब्जेक्ट कॉस्टिंग प्लस मैं एफएम को भी गिन लेता हूं तो यह दोनों को मिला के वन मार्क्स इज एंड शुड बी योर फोकस And अगर वो फोकस के साथ अपन पढ़ने वाले हैं देन इन दैट केस देर इज नो लुकिंग बैक मतलब एक वर्ड भी कहीं पर भी अपने को मिस आउट नहीं करना है दैट्स द इंटेंसिटी दैट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू क्या बोलता है पब्लिक अब वी ऑलरेडी फॉर इट्स गाइस यस चलो देन लेट्स डू इट सो आज आप लोग को अपनी बुक में लिखना है दैट आई विल स्कोर नाइनटी प्लस मार्क्स एंड ये आपका एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए और ये जब आप अपना नोटबुक ओपन करोगे एवरी डे आपको पहले ये लाइन दिखनी चाहिए दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड एफ एम तो आई एम गोइंग टू स्कोर आई एम गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स सर 90 प्लस क्यों लिखवा रहे हो 100 ही लिखवाओ ना देखो इच्छा तो वही है लेट्स बी रियलिस्टिक सो नाइंटी प्लस लिखते हैं लेट्स बी रियलिस्टिक ये भी आ गया तो मैं बोल रहा हूं इससे बड़ी बात अपने लिए और कुछ नहीं होगी राइट सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट नाम के ऊपर आई एम गोइंग टू स्कोर नाइनटी प्लस मार्क्स इन माई इन माई सी इंटर कॉस्टिंग एग्जाम्स एवरी डे इसको देख के एक मोटिवेशन लेना है एट द सेम टाइम अपने आप को पुश भी करना है दैट देखो 90 ऐसे ही नहीं आता है सब को पता है एक level का exam है अपन सबको पता एक लेवल का एग्जाम सो ऑल ऑफ अस नो द इंटेंसिटी लेवल इंस्टीट्यूट का हाई रहता है ऐसे सब पेपर्स में लोगों का इतने मार्क्स का फ्रेंकली स्पीकिंग अटेम्प्ट भी नहीं होता है वो वो अटेम्प्ट में ना मैंने ना कुछ इंटरव्यूज लिए थे एग्जाम के बाद यूट्यूब पे मैंने मेरा रिव्यू दिया था पेपर का That अगर आपका इस पेपर में 85 फाइव टू नाइनटी के बीच में अटैम्प्ट हुआ है देन इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव डन लिटिल डिड आई नो के कुछ महीनों बाद दो महीनों बाद मुझे ही मेरा स्टूडेंट आके एक रिजल्ट देगा दैट सर आप 85 फाइव टू नाइन्टी अटैम्प्ट करने की बात कर रहे हो मैं 100 मार्क्स लेकर आया हूं सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी आर गोल ठीक है आपका और मेरा ताली दोनों हाथ से बचती है मुझे भी उतने ही एफर्ट्स डालने हैं टू एंश्योर दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सो दैट वी कैन रीच टू दिस माइल स्टोन एट द सेम टाइम आपसे भी मैं इतनी ही मेहनत करवाऊंगा सो दैट वी रीच टू दिस माइल स्टोन अगर यहां पे रीच करना है तो कहना इसे बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को पहले क्लास में करवाऊंगा फिर थोड़ा थोड़ा रोज होमवर्क भी दूंगा तो प्रॉमिस नंबर टू क्या आप लोग रेगुलरली होमवर्क करके आओगे मेरे लेक्चर्स में ठीक है, बिकॉज तो ही आपको समझ में आएगा ना प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ भाई क्लास में सर ने जो पढ़ा है वो हम भी खुद से कर पा रहे हैं या नहीं बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ठीक है सो so, होमवर्क भी अपने को अच्छी तरह से करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मोटिवेशन फ्रॉम नाउ ऑन आइट गाइस चलो सर बहुत बढ़िया वी आर नाउ सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट डन प्रॉमिस मिल गया है मुझे सबकी तरफ से एंड आई वॉन्ट चलो ग्रेट है अब लेट बी टेल यूंगे एक नया सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है आई एम एज्यूमिंग आप लोग सब लोग मेजरलीटलीस्ट मोर देन एटी परसेंट ऑफ द क्राउड है आप तुम लोग इंटर में फर्स्ट टाइम आए हो ठीक है सो so, इंटरमीडिएट का मैं पहले आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कस करता हूं एंड देन फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें अपने सब्जेक्ट्स का क्या रोल रहेगा सो सी इंटरमीडिएट आज की तारीख में इस सी ए को सी ए इंस्टीट्यूट ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है ग्रुप वन एंड ग्रुप टू ग्रुप वन में उन्होंने तीन सब्जेक्ट्स रखे हैं पहला सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स दूसरा सब्जेक्ट है लॉ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड तीसरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन इस टैक्सेशन में डी टी आई डी टी दोनों आ गया एंड फिर आता है अपना ग्रुप टू ग्रुप टू में तीन सब्जेक्ट है पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको मैं प्यार से कॉस्टिंग ही बोलूंगा दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग ठीक है एंड थर्ड सब्जेक्ट है आप लोगों का एफएम एंड एसएम राइट सो so, इसमें से जो सब्जेक्ट्स मेरे हाथ में है जो मैं आप लोगों को कवर करवा के फुल आउट ऑफ फुल लाने वाला हूं आर गोइंग टू बी कॉस्टिंग एंड एफ एम ठीक है ओके अब इस में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो सो so, कहना है इससे भाई चलो अपने लोग एडवांस अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स बेसिकली पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत आइडिया है लॉ अपन लोग पढ़ चुके हैं दिस इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू टैक्सेशन राइट कॉस्टिंग इज टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑडिटिंग इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एफ एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू तो ऑल टूगेदर कितने नए सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो इंटरमीजिएट में वेल इट इज गोइंग टू बी फोर एंड इसीलिए कहते हैं कि इंटरमीडिएट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ योर सी ए जर्नी ठीक है सो क्या सीन है पता है अब यही जब आप फाइनल में जाओगे ना तो फाइनल में ग्रुप वन में है एफ आर विच इज अकाउंट ग्रुप वन में है ऑडिट ग्रुप वन में एस एफ एम आई से ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके जो इंटर में वही फाइनल में ग्रुप टू में डी टी आई डी टी कहना से ये डी टी अपन लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं सो सी फाइनल में कोई नया सब्जेक्ट नहीं आएगा सीए फाइनल में वही सब होगा उसका एडवांस लेवल होगा जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो ऑलरेडी गेटिंग मी सो दैट इज वे इंटरमीडिएट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल लेव बिकॉज अगर इसको कर डाला तो लाइफ समझ लो झिंगा लाला और राइट चलो सो गौरव का क्वेश्चन है सर बुक कितनी पेज की बनाए सब बताऊंगा धीरे धीरे एक एक चीज आप लोग को मैं एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यूल बट जस्ट टेलिंग यूल दैट चार नए सब्जेक्ट है ठीक है सो दैट इज वेयर आर फोकस शुड स्पेसिफिकली इंक्रीज इन दीज फोर सब्जेक्ट लॉ में ऑब्वियसली एक एडवांस लेवल पढ़ोगे आप अकाउंट्स में एक एडवांस लेवल पढ़ोगे बट एटलीस्ट एक आइडिया है अपन को इन दोनों सब्जेक्ट का तो अब ये चार सब्जेक्ट को आप अपन कैसे मैनेज करने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं मैंने जब सीए का एग्जाम दिया था चलो आप आप लोग मुझे बताओ ये जो सीए इंटरमीडिएट अभी आया है ये न्यू सिलेबस का है इसके पहले जो इंटरमीडिएट था उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे टोटल मिला के ग्रुप वन ग्रुप टू मिला के कितने सब्जेक्ट थे चलो लेटमी सी आप लोग क्या जवाब देते हो कौन बोलो हाँ करेक्ट सो आप लोग सब लोग को पता है सर पहले तो है ना एट सब्जेक्ट हुआ करते थे एब्सोल्युटली करेक्ट सो पहले तो देर यूज टू बी एट सब्जेक्ट उसको अब इंस्टीट्यूट ने सिक्स कर दिया है नाउ लेट मी टेल यू कैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है मैंने जब अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया था हमारे टाइम पे होता था पीई टू प्रोफेशनल एजुकेशन टू सो पीई टू में हमारे टाइम पे देर यूज टू बी सिक्स यू हर दैट राइट देर यूज टू बी सिक्स उसके बाद में उन्होंने लाया आईपीसीसी आईपीसीसी में देर यूज टू बी सेवन सब्जेक्ट फिर उन्होंने लाया इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में देअर यूज टू बी एट सब्जेक्ट फिर अब उन्होंने लाया सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स इस सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में वो वापस से उस लेवल पे आ गए हैं जो लेवल पे मैंने सीए का एग्जाम दिया था एज अ पी टू स्टूडेंट एंड यस सिक्स अगेन तो एक कहावत है ना हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ दिस इज वॉट हैजेंड सो अब वापस से उन्होंने छह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारे टाइम पे भी अकाउंट लॉ टैक्स कॉस्टिंग ऑडिट

चैप्टर्स हो six subjects हो गए गए सब्जेक्ट्स अच्छा मुझे बताओ पासिंग आप लोगों को पता है कैसे पास होता है आदमी ठीक है आई sure एम श्योर आप लोग को रैंक लाना है आई sure एम श्योर आप लोग को उससे भी अच्छा स्कोर करना है बट अगर जस्ट जस्ट इफाइव टू आस्क यू कि अगर आपको एग्जाम्स पास करना है देन इन दैट केस कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा कैन एनीबरी टेल मी गाइज कैन एनी बी टेल मी सो ओके सो कैन आई से ग्रुप वन एंड ग्रुप टू यस फोर्टी इन ईच सब्जेक्ट अभी तो एक सीरीज आई है हाफ सी ए उसमें भी उसने ये चीज एक्सप्लेन की है तो आई एम श्योर आप लोग को यह पता ही होगा आप तक दैट फोर्टी इन ईच सब्जेक्ट एंड फिफ्टी इन एग्रिकेट तो सर कैसे होता है ये एक बार बता दो आपको ठीक है चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा ही सब्जेक्ट आप फर्स्ट पढ़ रहे हो एंड देर फॉर मैं उस हिसाब से एक एक चीज आपको बताने वाला हूं फोर्टीन सब्जेक्ट एंड फिफ्टी इन एग्रीगेट दूसरा चीज एक इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट जो उन्होंने चेंज किया इज दैट पहले आप इंटरमीडिएट का कोई भी ग्रुप पास करते थे या ग्रुप ही स्पेसिफिकली पास करते थे तब भी आपको आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करने को अलाउ करती थी इंस्टीट्यूट अब इंस्टीट्यूट ने वो रूल चेंज कर दिया है एंड बोला है कि बॉस जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होता है तब तक आप आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते सो दाय इजी सजेशन टू यू इज गिव बोथ द ग्रुप फॉर श्योर एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोग कॉस्टिंग का बैच अटेंड कर रहे हो लेक्चर अभी अटेंड कर रहे हो तो आई एम कि सीधी सी बात है आप सब दोनों ही ग्रुप देने वाले होंगे एक रैंक का चांस है दूसरा सेट ऑफ का भी चांस है तीसरा जब तक दोनों ग्रुप नहीं होता आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपका फाइनल का अटेम्प्ट नहीं आएगा तो इट इज एंड ऑफ द डे तो मुझे सीए फाइनल में जल्द से जल्द पहुंचना है तो क्यों ना दोनों ग्रुप दू डेफिनेटली अचीवेबल है विद प्रॉपर गाइडेंस और उसके लिए तो हम यहाँ पे बैठे ही है तो सर कैसे हम लोग ये एग्जाम को पास करेंगे आप जरा बताओ तो नाउ यू हैव टू आंसर मी ठीक है आप लोग ने ये तो बोल दिया Subject, 15 aggregate. दो मिनट लेके अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई देखो अगर ऐसा सीनारियो है अगर ऐसा सीनारियो है तो आप मुझे बताओ कि क्या ये बंदा से मिस्टर आप लोग में से किसी का नाम लेता हूं तो अकाउंट्स में लॉ में और टैक्स में इसका मार्क्स देखना भाई इसका मार्क्स है फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव चलो फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव थर्टी फाइव क्या ये स्टूडेंट ग्रुप वन में क्लियर है क्या और से उसका ग्रुप टू का मार्क्स भी मैं आपको बताता हूं से कॉस्टिंग में उसको आया है फिफ्टी एट ऑडिट में उसको आया है फिफ्टी सेवन एफ में उसको आया है थर्टी एट बोलो टोटल बोलो क्या यह बंदा एक भी ग्रुप में पास है क्या वेल अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट क्लियर इन आईदर ऑफ द ग्रुप अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो नाइनटीन हंड्रेड वन थोर्टी फाइव हो रहा है बराबर है एंड यहां पर टोटल करता हूं तो इसका टोटल हो रहा है वन फिफ्टी थ्री इवन दो यहां पर इसका फिफ्टी इंटू थ्री फिफ्टी का आपको एग्रीगेट चाहिए फिफ्टी इंटू थ्री फिफ्टी का एग्री वन फिफ्टी का एग्री गेट होता है यह होते हुए भी ये बनता है सो आई डेली वन थर्टी फाइव तो वन फिफ्टी का भी टोटल नहीं है एंड यहां पर उसको एक सब्जेक्ट में कम भी है यहां पे ऑल्सो वी विल से ही इज फेल तो दस That कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया जा सकता है बिकॉज एवरी सब्जेक्ट वी हैव टू स्कोर द गोल्डन मार्क्स एंड दैट इज फोर्टी तो चलो भाई ये वाला फर्स्ट स्टूडेंट तो अपना क्लियर नहीं हो पाया कोई बात नहीं अब आपको बताना है क्या ये सेकेंड स्टूडेंट क्लियर हो पाया क्या इस सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्सिट कुछ ऐसा है इस सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्सिट कुछ ऐसा है एडवांस अकाउंट लॉ टैक्सेशन ठीक है एंड दूसरा ग्रुप टू में कॉस्ट ऑडिट एंड से एफ एम एस एम ठीक है इसका मैं मार्क्स बता रहा हूं आप लोगों को आपको बताना है वेदर ईज क्लियर और नॉट से फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी एंड यहां पे मैं लिखता हूं फोर्टी एट फोर्टी एट थर्टी टू एंड फिफ्टी सिक्स अब आप बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं सबसे पहले टोटल करो टोटल कितना आ रहा है यहां पे इसका मिनिमम ग्रैंड टोटल 150 तो चाहिए क्योंकि एग्रीगेट एग्रीगेट तीनों का मिला के 50 होना ही चाहिए तो 50 3 150 तो क्या 150 हो रहा है क्या द आंसर इज सर 160 हो रहा है एंड यहां पे चलो बोलो-बोलो चल चल। सो so, 48 plus 32 plus 56 एंड यहां पे इट इज 136 तो कैन आई से दिस इज वेयर ही इज फेल बट एटलीस्ट ये बंदा ग्रुप वन में पास हो चुका है तो अब समझ में आ रहा है कैसे पास होते हो आप कैसे पास होते हो आप समझ में आ रहा है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो थर्ड चीज मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं कुछ थर्ड चीज खाली मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको बताना है क्या सीन हो रहा है इस केस में ध्यान से देखना गाइस ध्यान से ध्यान से देखना अब मेरे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना मेरे इस एग्जाम्पल को आप लोग को बताना है पास या फेल आप लोग को बताना है पास या फेल एक मिनट चलो गाइस आप लोगों को बताना है क्या सीन है इसका ग्रुप वन पास ग्रुप टू पास बोध ग्रुप पास इज इट वॉट इज इट बोलो खाली पास मत लिखो हा पूरा बताओ ओनली ग्रुप वन पास ओनली ग्रुप टू पास बोध ग्रुप पास और वॉट इट इज सोच समझ के करेक्ट 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 सर ये तो भगवान का आदमी है लगता है 165 एंड इधर का टोटल 144 अब एग्रीगेट 150 है सो so, एग्रीगेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 165 है इसको भाई साहब को इसमें तो ग्रुप वन तो क्लियर है वो वन साइड 150 के ऊपर भी है 40 के ऊपर भी है ग्रुप टू में इंडिविजुअली 40 है बट एग्रीगेट 150 नहीं है बट बिकॉज बंदे ने दोनों ग्रुप साथ में दिया है तो इसका ग्रैंड टोटल हो रहा है इसका ग्रैंड टोटल हो रहा है 309 मार्क्स ठीक है 309 मार्क्स एंड अगर इसको ये 309 मार्क्स आया है तो एग्रीगेट सिक्स का सिक्स इंटू फिफ्टी थ्री हंड्रेड सिक्स इंटू फिफ्टी थ्री हंड्रेड तो क्या ये थ्री हंड्रेड से ज्यादा है यस yes. एंड दूसरा क्या फोर्टी मार्क्स मिनिमम सब में मिला है यस एंड सिंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है ही विल बी डिक्लेयर्ड पास इन बोथ द ग्रुप्स जी हां इसी को कहते हैं सेट ऑफ बेनिफिट तो ये जो भी स्टूडेंट है यस yes. सेट ऑफ से पास हुआ है कैसे सेट ऑफ भाई 144 है उसमें 40 40 तीनों में है ही बट एग्रीगेट में अटक रहा है दिस कैन बोरो मार्क्स फ्रॉम ग्रुप वन सच दैट उसका भी 150 हो जाए और वो क्लियर हो जाए क्या आप लोगों को समझ में आ गया एवरीबॉडी गाइस ठीक है देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं हो सकता है आपको पता हो, हो सकता है नहीं पता हो बट अगर नहीं पता है पता होनी चाहिए द रीजन आई एम टेलिंग यू यूच एंड एवरीथिंग एट द बिगनिंग इट्स ठीक है डन अब एक और छोटा सा लास्ट एग्जांपल लेता हूं इसके थ्रू भी एक और नया कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो शायद आप लोग ने ना सुना हो सुना हो तो अच्छी बात है ये है ग्रुप वन ये है ग्रुप टू ग्रुप वन का इसका टोटल है से एडवांस अकाउंट्स 55, law, लॉ tax, 55, 165 फिफ्टी आप लोग का ग्रुप वन का आंसर मेरे पास आ चुका है बट अभी देखना कॉस्ट 65, फाइव ऑडिट थर्टी एंड अब आप मेरे को बताओ इसका टोटल देख लेते कितना है इसका टोटल है 145 तो अगर मैं 145 फोर्टी फाइव प्लस करता हूं तो 310 है तो एग्रीगेट तो हो रहा है बट क्या होगा इस 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 स्टूडेंट का क्या होगा आप लोग बताओ चलो इस बंदे का क्या होगा तुम लोग थोड़ा सोच समझ के बताना टोटल इसका 310 हो रहा है ध्यान रखना इसका टोटल 310 हो रहा है अब क्या होगा इसका

पास है सर मेरा ग्रुप वन पास है एंड ग्रुप टू के कॉस्टिंग में इसको आया है एग्जेपन बट बाकी दोनों रीअपियर करना पड़ेगा रिमेनिंग टू री अपियर रिमेनिंग टू री अपियर अभी अंडरस्टैंडिंग तो इसको क्या बोलते हैं एग्जाम्शन इसको क्या बोलते हैं एग्जेम्शन सो अगर आपको सिक्सटी से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट में आता है आपको वो सब्जेक्ट वापस देने की जरूरत नहीं है आपको वो सब्जेक्ट वापस देने की जरूरत नहीं है समझ गए गॉट इट गाइस सो एग्जैम्पन ज ऑलसो अन्सेप्ट दैट यू शुड नो आप तो भाई पास ही होने वाले हो, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे बट सिर्फ बता रहा हूं चीजों के बारे में चलो डन सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन विथ सम मोर इंफॉर्मेशन चलो अब अपन क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं हाउ इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं so, किया है, पेपर फोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हंड्रेड मार्क्स के लिए ठीक है आपको आपको यहाँ पे क्या क्या कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है तो से आपको से आपको हमारी तरफ से सर कुछ सिक्सटी फाइव वाला आया है क्या मतलब नकुम तेरा क्वेश्चन नहीं समझा मेरे को।, तो को उसको सिक्सटी फाइव को उसको उसको वापस से ये देने की जरूरत नहीं है। बच्चे दो में उसको वन फिफ्टी माइनस सिक्सटी फाइव रिमेनिंग मार्क्स स्कोर करना है वैसा डन वैसा चल अब आते हैं पर लोग पेपर फोर के ऊपर पेपर फोर सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हंड्रेड मार्क्स इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ठीक है इस चैप्ट इस सब्जेक्ट में आईसीएआई के लिए मैं अभी जो भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं आईसीआई के नजर से तो देखो फ्रॉम द एंगल ऑफ आईसीएआई क्या हो रहा है ये देखना एक आपको पढ़ना पड़ता है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहा से मिलता है ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल icai.org के वी नॉलेज पोर्टल पे खाली ये पढ़ के मॉड्यूल पढ़ के हो जाएगा क्या द आंसर इज नो इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज आर टी पी आर का मतलब सुना है तुम लोग ने गाइज एनी बडी ऑफ यू प्लीज राइट डाउन लेट मी नो क्या होता है आर आर का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर जो हर अटेम्प्ट के पहले हर सब्जेक्ट के लिए सी इंस्टीट्यूट निकालता है सो so, वो हो गया RTP. अच्छा इसके अलावा इंस्टीट्यूट का और एक मटेरियल होता है जिसका नाम है एम टी का मतलब क्या होता है बेटा इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर ओके उसके बाद में और कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या सर हाँ पास्ट पेपर्स भाई आईसीआई के पास्ट पेपर्स भी तो देखने पड़ेंगे अपने को हाउ इज इट गोइंग राइट सो पास्ट पेपर्स भी पढ़ना पड़ेगा एंड लास्ट में जो अपने को एक चीज पढ़नी है वो है ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल समथिंग कॉल्ड एज ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल जब ये पांचों चीजें पढ़ोगे ना तब जाके तब जाके आपका यह पेपर इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि आपको मिल जाए हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड बट ये सब पांच चीज अलग अलग करने जाओगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं एंड एक जगह जब जमा हो पांचों मॉड्यू आर टी पी एनटीपी पास पेपर ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल जी हाँ दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर कंटेंट जिसको अपन बोलेंगे ऑप्टिमाइज्ड बुक ऑथर्ड बुक जो आपके घर पे आने वाली है आपके पास हो सकता है आपके पास आकी आप हो कंटेंट ऑफ ऑप्टिमाइज इज वन टू अ थ्री फोर अ फाइव तो पांच अलग अलग चीजें पढ़ू क्यों ना उससे जग... अच्छा ये पांचों को एक ही में समेट के ऑप्टिमाइज पढ़ा जाए क्या बोलता है पब्लिक सही है और एग्जाम टाइम पे इन सब को रिवाइज करना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाता है तो इसके लिए ऑप्टिमाइज आपकी डिटेल्ड बुक इसके साथ में आपको दूंगा इसके साथ में आपको दूंगा एग्जाम के लिए आपके दिमाग में मैजिक हो जाए तो वो हो जाएगी मैजिक बुक विच विल बी अ समरी वर्जन ऑफ योर ऑप्टिमाइज सो जैसे ऑप्टिमाइज डिटेल्ड बुक जिसमें मोड्यूल आर टीपी एम टीपी पास पेपर ओल्ड प्रैक्टिस मैन्युअल सब कुछ कवर्ड है वैसे ही उसी का एक शॉर्टफॉर्म या समरी वर्जन जिसको अपन बोलते हैं दैट बेसिकली इज योर मैजिक बुक तो ये दो बुक से अपन लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं एक एक चीज में वो अपन कल के लिए डिस्कशन रखते हैं आज ही सब बता दूंगा तो कहीं हैवी ना हो जाए मटीरियल कॉस्टिंग लेबर कॉस्टिंग फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवर हेड फिर फोर्थ चीज जो आप लोग यहां पर करने वाले हैं यस ओवर हेड्स इसके बाद में आता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज चैप्टर फाइव थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं फिर आएगा कॉस्टशीट एंड देन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है तो ये आपका बनता है मॉड्यूल वन कितने चैप्टर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आओ ये देखो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट को देखो ये देखो सेम तरीके से डाला है यहां पे अगर आप अपना ऑप्टिमाइज भी खोलोगे ना जब आपका मॉड्यूल वन खोलोगे आपको ये सात चैप्टर्स ही दिखेंगे जैसा मैंने बोला था पूरा का पूरा मैं ICI के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे हाफ सी वाला, हाँ। वी वी, हाफ सी वाला. <laughs> वो वाला ओवरहेड्स नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा एवरीथिंग इज गोइंग ओवर वो वाला नहीं <laughs> चलो फिर बाद में आते लोग मॉड्यूल टू के ऊपर मॉड्यूल टू में आपको दिखेगा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग चलो मैं लिखवा देता हूं आप लोग को यहां पे वो भी so, इधर चैप्टर का नंबर भी लिख सकते हैं अपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फिर आता है यहां पे यूनिट एंड बैच फिर जॉब अब यहां पे ओल्ड सिलेबस में यूज टू बी समिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बट अभी आपको खाली जॉब के हिसाब से करना है फिर है प्रोसेस ज्वाइंट प्रोडक्ट सर्विस सो प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट फिर है सर्विस कॉस्टिंग राइट

फॉर आवर सिलेबस ठीक है समझ में आ रही है बातें टन टन गाइड टन दन टन डन दन. चल ओके ये so yeah, अभी कुछ लिखो मत, डोंट वरी अच्छा अभी मैं आपको ये, और एक चीज बता दू कि क्या होने वाला है सिस्टम अपना सिस्टम कैसे होगा तो से आप लोग अगर लाइव में हो then in that case, क्या होगा? एक तो मेरा लाइव लेक्चर होगा इस लाइव लेक्चर का बैकअप डाल दिया जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर इसका बैकअप डाल दिया जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर ठीक है एट द सेम टाइम जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है सुनो, जो भी मेरे notes है ना जैसे जो भी मैं लिखवा रहा हूं ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स डेली बेसिस पे ये भी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे जी हाँ बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लिखने में काम चोरी करो नो आप लोग अभी 18, 19, 20 साल के ऊपर के लोग हो तो मुझे उस चीज का टेंशन लेने की आई होप जरूरत नहीं हो कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो so, वो एक यू हैव टू बी बोलते हैं ना दिल से अपने आप को प्रॉमिस करो कि यस करना है, दिल से मेहनत करना है एंड वहां पे कोई काम चोरी नहीं okay, रिटन नोट्स के बाद यहां पे देर इज अस्टम के गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हूं मैं शेड्यूल कि भाई मेरा कितना क्या हुआ है तो कभी आपको फ्यूचर में अगर रिवाइज करना है तो ये शेड्यूल से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डे में मैंने कौन सा टॉपिक में कौन सा कॉन्सेप्ट में कौन सा क्वेश्चन करा है यस yes, इतना डिटेलिंग तो आपको फिर और कुछ भी करने की जरूरत मतलब कुछ और अगर आपको से फॉर एग्जांपल अभी आपने लाइव में अटेंड कर लिया आपको चीजें समझ में आ गई आपको रिवाइज बहुत टाइम बाद से दो महीने बाद आप रिवाइज कर रहे हो और आपको याद आया कोई कॉन्सेप्ट और आपको याद नहीं आ रहा है कि अरे यार वो मैंने कब किया था कहां पर किया था याद नहीं आ रहा है एक बार रिवाइज कर लेता हूं तो आपके पास हंड्रेड परसेंट बैकअप है तो आप क्या करोगे आप जाओगे गूगल ड्राइव के ऊपर ये शेड्यूल होगा शेड्यूल को आप डाउनलोड करके देख लोगे कि अच्छा यहां पे डे ट्वेंटी वन में लेक्चर नंबर वन में सर ने ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन करवाया है समझ में आया गाइज डन so ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड की जाएगी बैकअप हैंड रिटन नोट्स एंड शेड्यूल ऑन डेली बेसिस मतलब जैसे ही मेरा चैप्टर हुआ मैं आपको कर दूंगा अपलोड आई मीन जैसे ही मेरा सेशन हुआ अपलोड कर दिया जाएगा रेगुलरली राइट सो मॉड्यूल वन में कितने चैप्टर्स है बच्चा मॉड्यूल वन में है सेवन चैप्टर्स एंड मॉड्यूल टू में कितने चैप्टर्स है बेटा मॉड्यूल टू में है एट चैप्टर्स ठीक है ओके okay. और और ठीक है अब मैं आपको बता दूं मेरे पढ़ाने का तरीका जिसके लिए आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया है यस एंड माय स्टाइल ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपलिस्टिक जो आपको डे वन से ही समझ में आ जाएगा क्या पता है सबसे पहला काम कोई भी चीज करवाने के पहले मैं आप लोग को दूंगा उसके पीछे का एक एग्जाम्पल और ये मेरे सारे सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है जो मार्केट से कनेक्टेड है जो आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे आपको लगेगा सर ये तो मेरे साथ भी हुआ है और मैं बोलूंगा क्या आपने तब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था आप बोलोगे नहीं सर मैं बोलूंगा अब से अप्लाई करना तो ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल कनेक्टेड ऐसे आपके साथ एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं कि आप खुद वो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे आप खुद कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे और इस कॉन्सेप्ट से अपन लोग डिराइव कर पाएंगे फॉर्मूलाज तो फॉर्मूला को रट्टा मारना है या डिराइव करना है बोलो बोलो चल चल करेक्ट सर हंड्रेड एंड वन परसेंट सर डिराइव करना है बट डिराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कहां से आता है भाई एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट कोई ऊपर वाला ऐसे गिराता तो है नहीं चलो कॉन्सेप्ट बन गया चलो गिर जाओ कॉन्सेप्ट बन गया गिर जाओ दो no! इट इज दिस दिस कॉन्प्ट हैज कम हाउ बाय एग्जाम्पल कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ होगा कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बदौलत कॉन्सेप्ट आया होगा उसके बदौलत फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा वो एग्जाम्पल क्या है वो आपको आपका भाई बनाएगा पहले डोंट वरी और मैं आपको बोलता हूं मेरे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम तक आप याद रखोगे यस yes, ये मेरी गारंटी है इतना आप मेरे पे छोड़ देना एबल टू रिमेंबर इट इनफैक्ट मेरा सेशन ही मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाला हूं एंड एंड टोन इज गोइंग टू बी सेट क्या बोलता है, है लग रहा है लोग इसी हिसाब से करना चाहेंगे टन अब मेरा नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी एज अ स्टूडेंट देखो अब अपने को अब अपने को आने वाला, आने वाला वाला ऑलमोस्ट टू एंड हाफ टू थ्री मंथ साथ में बिताना है तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे पास से ठीक है ना ये भी तो जरूरी है कि मैं आप लोग से समझ लू आप क्या चाहते हैं तो यू टेल मी योर एक्सपेक्टेशंस योर एक्सपेक्टेशन के सर प्लीज आ, ऐसे तो ये चीज तो करवाना ना सर सर यह ना मेरा वीक है थोड़ा इस पर ध्यान देना ना सर एनीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी देखो आज मौका है दस्तूर है बोल दो भाई क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से योर विश इज माई कमांड टेलमी टू मेक लेक्चर इंटरेस्टिंग एट योर ऑनर सर हर एक लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा यह मेरी गारंटी है एंड वो इंटरेस्टिंग बनेगा इस स्टाइल से ये बाप को मैं बता सकता हूं सो फर्स्ट सर लेक्चर्स इंटरेस्टिंग बनाना प्लीज ठीक है लेक्चर्स को जरूर इंटरेस्टिंग बनाएंगे सेकेंड और कुछ और एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट एंड टेल मी फिर मैं मेरे पॉइंट बोलूंगा मुझे क्या चाहिए या आपके क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए थे होमवर्क डाउट सॉल्विंग पलक का बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर होमवर्क तो दे दोगे आप बट अगर वो होमवर्क में हमारे को डाउट आया तो आप सॉल्व करोगे ना सर जरूर करेंगे होमवर्क डाउट सोल्वेंगे नेक्स्ट कि सर क्लास में माहौल बना रखे अपन लोग ओके सर लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाएंगे और माहौल भी बनाएंगे उसका टेंशन ना लीजिए हाँ सर कोर्स इतना सारा है कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जाएंगे तो आर्या जी पूछ रही है सर उसके लिए आप क्या करोगे करेक्ट उसके लिए रेगुलर रिविजन ऑन डेली बेसिस तो अपन क्या करेंगे पता है जब मैं नेक्स्ट डे का लेक्चर स्टार्ट करूं क्यों ना उसके पहले मैं उसके पहले जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करूं क्यों ना उसके पहले लास्ट में जो भी हुआ था बैच लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था उसको पहले रिवाइज करवा दू क्या बोलती है राहुल जी क्या बोलती है सही है आर्या जी बराबर सो रेगुलर रिविजन ऑन डेली बेसिस करेंगे तो आप आगे का भूल ही नहीं पाएंगे हाँ फिर टेस्ट आफ्टर चैप्टर कंप्लीट ओके टेस्ट आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन ओके सिस्टम सेट हो चुका है नेक्स्ट नेक्स्ट बी एन एक्सपर्ट लाइक यू इन कॉस्टिंग मेरे जैसा एक्सपर्ट बनना चाहते हो पक्का बना दूंगा बस एक चीज आपसे चाहिए प्रैक्टिस 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 मैं भी आपके जैसा ही था एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा अपने आपको आज भी मैं सीख ही रहा हूं मैं आप अपने आपको यही मानता हूं बट प्रैक्टिस 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 ओ यशस्वी हेज हिट द बुल्स आई सर प्लीज मोटिवेशन देते रहना एज स्टूडेंट्स uh, इतना प्रेशर होता है प्लस इतने सारे लेक्चर्स 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 में हम लोग इतने लॉस्ट हो जाते हैं दैट कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील हो जाते हैं सर कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे सो यस देर विल बी रेगुलर मोटिवेशन एज वेल हैंड रिटर्न नोट्स बनवा दीजिएगा शम्बिल वेरी वेल सेड मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्टूडेंट नोट्स सर ये स्टूडेंट नोट्स क्या होता है यही होता है हैंड रिटन नोट्स मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्टूडेंट नोट्स इट इज नथिंग बट हैंड रिटन नोट्स जो आप बनाओगे क्लास के लेक्चर के इट हार्ड कॉन्सेप्ट को स्लो सिखाना ओके <laughs> ठीक okay, है सो so, मैं इधर Uh, uh, शुभंकर का एक इजी वे में लिखता हूं दैट टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ईजी शुभंकर जी आप यही बोलना चाहते हो टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ईजी सर स्टडी टिप्स सो मोटिवेशन के साथ साथ इधर मैं लिख देता हूं स्टडी टिप्स भी आपको देते रहूंगा एग्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स दीजिएगा तो जो टेस्ट है उसमें वो चीज डिस्कस की जाएगी आप लोगों के साथ ओके 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 सो सो एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स मैं इधर लिख देता हूं भाई एंड मैं आपको बता रहा हूं खाली मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं हर एक सब्जेक्ट का मैं यहां पे आपको टिप्स देते रहूंगा यस yes. और मैं क्या करूंगा पता है बीच बीच में जैसे ही मेरा कोई चैप्टर हो गया अपन लोग एक काइंड ऑफ क्विज जैसा खेलेंगे जहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपको जवाब देना है क्वेश्चन पूछूंगा आपको जवाब देना है तो उससे आपका एमसीक्यू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और उससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा चलो सो आई थिंक कैन आई से ये एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से मैं ले लेता हूं एक बात बोलना चाहूंगा इस चीज के तेरे सारे दुख मेरे मेरे सारे सुख तेरे आज से याद रखना ये बात जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते तब तक ये सारी चीजें मैं करवाने का आपके साथ एक प्रण लेता हूं ओके आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं जो किसी ने यहां पे नहीं बोला एंड दैट इज रेगुलर कम्युनिकेशन अदरवाइज कम्युनिकेशन ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग की तरफ से प्लस मैं तो चाहूंगा हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस आई अंडरस्टैंड कभी कभी बीमार बीमार हो गए बट फिर भी मैं तो चाहूंगा आप अटेंड करो मतलब एक कहावत है मेरे लेक्चर्स में जो यूजुअली मैं सीए फाइनल वालों को बोलता हूं जान जाए पर लेक्चर ना जाए क्योंकि कैसा ऐसा चीजें कनेक्टेड होती है तो कई बार वो लेक्चर मिस हो जाता है ना फिर आगे का कनेक्शन थोड़ा छूट जाता है इवन दो मैं ट्राई करूंगा कि कनेक्शन के साथ भी कभी आप लेक्चर मिस करो तो भी आप बैठो और आगे अटेंड करते जाओ फिर भी रहे तो अच्छा है ठीक है सो हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस मुझे चाहिए एंड थर्ड इज प्रैक्टिस थ्रू होमवर्क एंड टेस्ट ये आप लोगों के हाथ में होमवर्क मैं दूंगा बट आप करके नहीं आए या टेस्ट में लूंगा बट आपने नहीं दिया तो इन दैट केस इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो ये नहीं होना चाहिए है ना प्लीज so, ये तीन चीज आप लोग मुझे कमिट कर दो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने डिमांडिंग हो रहे तुम लोग ये आठ चीज मैंने कमिट कर दी ठीक है चल, डन सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया है सो सी ए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने इसको डिवाइड किया है थ्रू फेजेस नंदनी दैट विल डिस्कस मैंने क्या किया पता है मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इन टू फोर फेजेस जी हां हां यस yes, कल क्लास है ना हंड्रेड परसेंट क्लास है कल फेज वन फेज टू फेज थ्री एंड फेज फोर जी हां फेज वन में आते हैं मेरे टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स फेज वन में मैंने कुछ टॉपिक्स को डिवाइड किया है सो so, यहां पे प्लीज एवरीबॉडी ध्यान देना एंड दोज टॉपिक्स फॉर मी आर क्वेश्चिट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ये हो गया आपका एक फेज ठीक है एग्जाम में भी आपको रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है यस यू आर दैट राइट सेकेंड फेज में रहता है मार्जिनल ठीक है मार्जिनल स्टैंडर्ड एंड बजटरी दिस इज गोइंग टू बी अनदर फेज तो ये फेज आप क्यों बता रहे हो सर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब रिवाइज करना है ना आप अपना रिवीजन इस हिसाब से इस फेज के हिसाब से कर सकते हो येस yes. फिर बाद में आता है फेज थ्री ठीक है। फिर बाद में आता है फेज थ्री फेज थ्री में मेरे जो चैप्टर्स है एंड लास्ट में फेज फोर तो फेज थ्री के मेरे चैप्टर्स में लिख रहा हूं आ, दे आर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो पहले उससे ज्यादा प्रोसेस प्रोसेस कॉस्टिंग ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड जो मेरा लास्ट फेज है जिसको मैंने फेज फोर का नाम दिया है दिस फेज विल कवर द रिमेनिंग Topics which is your service costing, job costing, unit and batch costing, and introduction to cost and management accounting. Introduction to cost. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सो फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर यह चार फेज बना के मिलता है मेरा यस टोटल हंड्रेड मार्क्स विच इज गोइंग टू बी फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आपको भी रिवाइज मैं आपको बता रहा हूं आपको भी रिवाइज इस फेज के हिसाब से ही करना है और मैं भी हो सकेगा उत्तरा फेज वाइज ही आप लोग को चीजें करवाते जाऊंगा अभी क्लियर गाइस तो देखो टोटल कितना चार यहां पे थ्री सेवन फोर इलेवन एंड फोर फिफ्टीन वॉट इट गाइस ठीक है इस फेस के हिसाब से देखो, पढ़ना रहेगा जान लगा देंगे सर जान लगा देंगे बट आज जो बात कही है आज से एक साल बाद जब रिजल्ट आएगा ना सर आपको प्रूफ करके दिखा देंगे ट वी हैव प्रोमिस्ड डन गाइज आज के लिए इतना काफी है जैसा मैंने बोला धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा आज और पढ़ा दिया तो कई ओवरहेड ना चले जाए तो इसलिए आज मेरे को बस आप लोग को देना था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड जैसा मैंने बोला है तीन चीज आपसे कम्युनिकेशन रेगुलरिटी राइटिंग प्रैक्टिस चलो टाइम फॉर मी टू से आस्था थाला विस्टा गाइस सो so, आज जो भी पढ़ा छोटा सा रिकैप आप लोगों को करवा देता हूं अपने बारे में मैंने जरा बताया आप पढ़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट क्लियर एंड uh, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड से टीचिंग एट सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल फॉर द लास्ट 10 इयर्स एक डेकेड से मैं पढ़ा रहा हूं विद